बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सौदरी बसलाई हूँ आप साथ में। और आपको भाई आज मैं एक हाल ही में लॉन्च होने वाला मोबाइल जो कि अभी भाई न्यू सेल हो रखा है और काफ़ी अच्छा सेल हो रखा है और मैं मानता हूँ कि बिल्कुल न्यू अभी ये आ रखा था सऊदी में आ चुका है, यानी कि तो ये यूजेबल में भी आ चुका है। अच्छा, ये यूजेबल में आ चुका है, यहाँ पर आपको उसके मतलब मैं पिक्चर भी दिखा रखा हूँ, सैमसंग A52 5G के साथ। ठीक है जी, इसके मतलब आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ, यानी कि इसके प्राइस क्या है यूजेबल के, ये शॉप वाला कितने मांग रखा है। अल रवाद इस सलाद के ऊपर ये अवेलेबल है, जद्दा फलस्तीन के ऊपर शॉप है, तो आपको दिखा देता हूँ फिर मैं जी। सैमसंग A52 5G के साथ यूजेबल, तो शुरू कर लेते हैं। सैमसंग A52 5G के साथ है जी, और वाइट कलर में है, मैं आपको दिखा रखा हूँ। मुझे ये कलर इसमें बहुत खूबसूरत लगा है, हालांकि इसके अलावा भी कलर और इसमें मुतारफ करवाए गए हैं, लेकिन वाइट कलर में इसकी लुक बाई अमेजिंग है। खासकर बैक साइड पर जो कैमरों का डिज़ाइन है वाइट कलर में बहुत ही कमाल की लुक दे रहा है। तो सैमसंग A52 जो कि अभी मार्केट में भाई न्यू ही लॉन्च किया गया है, तो आपका भाई आपके साथ ये लेकर हाजिर है जी। एक यूजेबल में पीस मुझे मिल गया, तो मैंने बोला आपके साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहले अगर इसके कैमरों के मतलब बात करें, 64/12 प्लस 5 मेगापिक्सल मैक्रो फर्स्ट प्लस 5 मेगापिक्सल डेप्थ, 180+4K वीडियो आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। 8K का ऑप्शन नहीं रखा गया है, और इस सीरीज में इतने प्राइस में यार 4K बेस्ट है। तो कैमरों के मिरर वगैरह, इसके जो कलर है, फ्लैश लाइट वगैरह बिल्कुल ओके हैं, कोई मसला नहीं है, आप खुद से देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट एंड साफ क्लीन मोबाइल भाई बैक साइड से लुक दे रहा है। तो नीचे सैमसंग वगैरह लिखा हुआ, मेड इन वियतनाम में है जी, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, मेड इन चाइना वगैरह का चक्कर नहीं है इसमें। तो नीचे से स्पीकर ग्रिलिंग, आपको चार्जिंग की जगह और हैंड फ्री की जगह भी इसमें है जी, ये एक अच्छी चीज़ है। आपको बॉक्स के अंदर से हैंड फ्री भी मिल जाएगी, और आप ब्लूटूथ भी वैसे हैंड फ्री यूज़ कर सकते हैं। साइडों से कोनों से आपको दिखाता हूँ मैं, काफ़ी शाइनिंग लुक दे रहा है। वॉल्यूम अप डाउन पावर ऑन ऑफ के बटन देख लेते हैं, कोनों से देख लेते हैं। आखिर इस बंदे ने भाई चंद दिन बाद या एक माह बाद मोबाइल सेल किया है, तो कहीं गिरा तो नहीं है इसके हाथ से, कोई मसला तो नहीं है, तो मुझे कहीं कोई निशान नहीं इसमें दिखाई दे रहा है जिससे लगे कि ये गिरा हुआ है, मोबाइल डैमेज है। और मैं बैक साइड से भी इसके गौर कर रहा हूँ, इसकी बैटरी वगैरह के मतलब फूली हुई तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी, ओरिजिनल बिल्कुल न्यू पीस जैसी अभी तो लुक आ रही है। अगर डिस्प्ले के मतलब बात करें, तो आपको 6.5 5.5 इंच का बड़े टाइप का डिस्प्ले मिल जाएगा, वही टाइप का आपको डिस्प्ले मुझे फील होता है सैमसंग A51 वाला। लेकिन अच्छा, अगर आप मोबाइल में, शायद मैं आपको इतना क्लियरली नहीं दिखा सकूं, लेकिन मैं खुद से देख रहा हूं, एक लुक उससे हटकर है इसकी। आपको बैक कैमरे का यहां पर मैं रिजल्ट भी दिखा रखा हूं, देख लें कमाल है, 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5.5 मेगापिक्सल के दो कैमरे हैं जी। तो कैमरों का अगर सेल्फी कैमरे की बात करें, तो भाई ये भी ओके है, वही A51, लेकिन उससे थोड़ा कम साइज में रखा गया सेल्फी कैमरा, जो कि 32 मेगापिक्सल का आपको मिल जाएगा। 180 प्लस 4K वीडियो भाई आप सेल्फी कैमरे से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 4K वाला ऑप्शन जो सेल्फी कैमरे में रखा गया, ये एक अच्छी चीज़ रखी गई है मेरे हिसाब से। अगर स्टोरेज की बात करें, तो 128 6GB रैम के साथ, बैटरी के मतलब आपको बता दूँ, ये हमें 99% देख लें, 100% है जी, बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है। 95% से आप जितनी भी बैटरीज होती हैं वो 100% ही उससे माना जाता है। तो स्टोरेज के मतलब मैं आपको बता रहा था 128 GB 6GB रैम के साथ और 8GB रैम के साथ, 256 GB सिर्फ 8GB रैम के साथ ये अवेलेबल है मार्केट में, आप इनमें से यानी कि कोई भी ले सकते हैं। प्राइस उस लिहाज से इसके अप डाउन होते रहते हैं। तो हाल ही में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें मैंने आपको दिखाया था 128 GB 6GB रैम के साथ, जो कि 1249 रियाल का हमने लिया था हैपर पांडा से। तो ये शॉप वाला इसके भाई जो कि 256 GB है 8GB रैम के साथ, वाइट कलर में यूजेबल में एक आउट क्लास किस्म की लुक है, बिल्कुल न्यू जैसा है। तो ये इसके भाई 5G है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, वो हमने 4G लिया था। तो ये इसके भाई 1500 रियाल मांग रहा, तो मैंने उसको बोला 1500 1550 का जो तो न्यू मिल जाता है, वो बोलता है 128 GB मिलता है। तो ये 256 GB है 8GB रैम के साथ, 5G है जी। तो मैंने उसको बोला इसमें कोई प्यार मोहब्बत बोलता हो जाएगी, मेरे हिसाब से अगर 1300 1350 के अराउंड में मिल जाए तो बेस्ट है आपके लिए। बाकी आप भाई मुझे कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा, ये कितने तक का होना चाहिए। मजीद किसी और मोबाइल के मतलब जानना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।